इतना जरूर है कि यहाँ पर आप हमारे साथ रहेंगे अभी, क्योंकि दुनिया में तीन चीज खुलने के बाद ही काम करता है, एक दिमाग, एक पैराशूट और तीसरा छतरी। अगर हेलीकॉप्टर में आग लगी हो, पैराशूट खुला नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जिंदा नहीं रहेगा। बारिश हो रही है, छतरी आपके पास बहुत बेशकीमती वाली है, खुला नहीं तो आप तो भींग ही जाएंगे। और अच्छा चीज, ज्ञान गंगा बह रही है, बहुत सारा बिजनेस का प्लान हो रहा है और आपका माइंड कहीं और भटक रहा है, तो आपका माइंड के ओवर हो जाएगा, क्योंकि एक गिलास पानी में, एक गिलास ही पानी आएगा, एक बूंद भी डालेंगे एक्स्ट्रा तो वो बेकार चला जाएगा। तो माइंड इसीलिए खाली करके सारे लोग बैठे थोड़ी देर देर के लिए। और सर, फाइटोसेल बिजनेस करने के लिए, चाहे दुनिया में कोई भी काम करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दुनिया में दो ही तरह का काम लोग करते हैं, जॉब या बिजनेस। और सबको पता है कि कैसे करना है, जैसे कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में है, कोई किसान का काम करते हैं, सबको पता है करना कैसे है, तभी तो कर पाते हैं। लेकिन 90% लोगों को पता नहीं है कि क्यों करना है। जैसे किसी से पूछे हम जॉब वाले से कि सर जॉब आप करते हैं क्यों करते हैं, आंसर बहुत लोगों को नहीं पता। 10% लोग का आंसर आता है कि सर सब लोग करते हैं इसलिए हम करते हैं, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, यही यही आंसर आता है। लेकिन क्यों करना चाहिए, इसके पीछे सर लॉजिक क्या है, वो हम आज आप लोगों को बताएंगे। छोटी छोटी बातें बताएंगे, लेकिन जिंदगी का ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो लेसन हम लोग आज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सर, फाइटोसेल लाइफ करने से क्या मिलेगा, वो तो अभी सर बता ही रहे थे प्लान के दौरान, आगे भी बताया जाएगा। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगा कि फाइटोसेल लाइफ करने के बाद आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, जीना कैसे है वो समझ में आ जाएगा, जिंदगी जीने का तरीका यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, और वो बहुत बड़ा चीज है। सबसे पहले हम जॉब के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जॉब हम खुद कर रहे हैं। आज जॉब करते हुए मेरा लगभग 8 साल हो गया, 8 साल से मैं जॉब में हूँ, 7-8 साल से मैं जॉब में हूँ। और 4,000 रुपये महीना का नौकरी से 25,000 रुपये महीना तक की नौकरी मैंने जॉब प्राइवेट जॉब में किया है। और जॉब में कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है, सबको पता है। जॉब वाले के लिए खुशी का दिन सर आता है संडे, जितने भी लोग हैं संडे को पूरा एंजॉय करते हैं, और जितना एंजॉय संडे को करते हैं ना, रात में सोते सोते उतना ही दुखी रहते हैं, क्योंकि मंडे को जॉब में जाना है। और दूसरा चीज सर, जॉब में आपकी इनकम जितनी भी हो, आपका इनकम 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए हो सकती है, लेकिन जॉब वाले बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते लाइफ में, क्योंकि उनका जितना इनकम आता है वैसा खर्चा बंधा रहता है। और जॉब में संडे को तो खुश रहते हैं लोग, मंडे को सारे लोग दुखी रहते हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सारे लोग जॉब जो कर रहे हैं ना, वो पैशन के लिए नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। पैशन और मजबूरी में अंतर, मतलब डिफरेंस यही है। जैसे कि अगर हम अक्षय कुमार की बात करें या सचिन तेंदुलकर की बात करें, तेंदुलकर को अगर क्रिकेट खेलने के समय में क्रिकेट खेलने से ज्यादा पैसा मिलता अगर जॉब में, तो भी वो क्रिकेट ही खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलना उनका पैशन है, ना कि जॉब है। अक्षय कुमार को जितना मूवी में पैसा मिलता है, अगर आप ज्यादा पैसा दें उनको कुछ और काम करवा लें, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका प्राण बचता है एक्टिंग में, उनका पैशन है। लेकिन जॉब में हमारा कोई पैशन नहीं है, सारे लोग मजबूरी में जॉब कर रहे हैं। और जॉब करने में सर एक कहावत ये है कि जब आपको भूख लगती है तब टाइम नहीं मिलता खाने का, और जब आपके पास खाना होता है, टाइम होता है, तब आपको भूख नहीं लगती। क्योंकि आपको भूख जो है ना, समय के साथ, अगर 2 बजे का लंच है, आपको 1:30 बजे भूख लगा, 2 बजे ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं। और जिंदगी का हमारा जो क्रीम टाइम है, वो होता है 21 साल से लेकर के 55 साल के बीच का, और जॉब में 21 साल से 55 साल ही वो निचोड़ लेते हैं। और जब 55-60 साल के बाद आप एक, आपके अंदर कुछ रह नहीं जाता, फिर आप घर पर आते हैं। और सर, एक बहुत बड़े एनजीओ का आंकलन है, वो सर्वे में आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। उसका आंकलन यह है कि पूरे भारत में 40% लोग, सर पूरे भारत में 40% लोग अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जॉब करते हैं। जितने जॉब है करते, लगभग 70% लोग जॉब करते हैं, और 70% में से 40% लोग अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जॉब करते हैं। उसका रीजन ये है कि उनका गांव में घर है, शहर में जॉब कर रहे हैं 10-15 हजार-20 हजार रुपए की। अगर सारे फैमिली को लेकर के मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई अगर चले जाते हैं, तो रूम बड़ा लेना पड़ेगा, खाना में ज्यादा पैसा आएगा, बिजली बिल ज्यादा आएगा, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, और वो 20,000-15,000 रुपए में उनका होगा नहीं। इस कारण से शादी होते ही 1-2 साल कोई व्यक्ति घर में अगर रहा तो रहा, जैसे ही बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं जॉब करने बाहर। और बाहर जाने के बाद साल में 1 बार या 2 बार या 3 बार घर आते हैं। और होता क्या है, उनके बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब उनको माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, तो उनको सिर्फ मिलता है माँ का प्यार,
बाप का पिताजी का प्यार उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है घर को चलाने के लिए। और जब वो दीपावली में या दशहरा में घर पर आते हैं 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, तो पता चलता है कि बच्चा छोटा सा गोद में था, अब तो उसके दांत निकल गए हैं। जब अगले साल आते हैं तो मालूम चलता है कि वो बच्चा चलने लगा है, अगले साल आते हैं तो मालूम चलता है कि स्कूल में चला गया है, और देखते देखते वो बच्चा जब वो इंसान रिटायर होते हैं, जब इंसान 55 साल 60 साल की उम्र में जब आता है, वापस जब घर आते हैं तो मालूम चलता है कि बहुतों के पिताजी माताजी एक्सपायर कर गए, क्योंकि उनका खुद उम्र 55 साल 60 साल हो गया तो पिताजी माताजी रहे नहीं, और किसी के रहे भी तो वो 80-90 साल के रहे, जो कि उनसे न अच्छा से सुनाई दे पाता है न अच्छा से दिखाई दे पाता है, वो आपस में प्यार से बात भी नहीं कर सकते, दूसरे को समझ नहीं सकते। उनकी जब वो शादी किए थे तो उनकी वाइफ की उम्र 20 साल 22 साल की होगी, जब रिटायर करके आते हैं तो जब उनका खुद 60 साल उम्र है तो उनकी पत्नी की उम्र लगभग 52-55 साल की हो जाती है, तो उस समय एक दूसरे का सामंजस्य भी नहीं मिल पाता है, और बच्चे जो माँ बाप दोनों का प्यार जरूरी था, वो बच्चे भी 30-25 साल के हो जाते हैं, शादी की उम्र हो जाती है। अब जो अब आज जो तनाव देखने को मिल रहा है, आज लगभग पूरे दुनिया की तो बात नहीं करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो जितने गार्जियन वृद्धाश्रम में आज हैं, जितने बुजुर्ग हैं, उस सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ व्यक्ति का कोई भी पिताजी या माताजी अभी तक वृद्धाश्रम में नहीं गए हैं, वो कहीं ना कहीं से मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और अपने माता पिता का देखभाल करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ लिख गया है उन्हीं के बच्चे ही उन्हीं के पिताजी ही क्यों रहते हैं वृद्धाश्रम में, इस पर भी एनजीओ का बहुत सारा रिपोर्ट आया है, तो पता ये चला है इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये है कि थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाने के बाद आपको बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिल पाती। आज नौकरी का कितना भीड़ भाड़ है, भारत का आबादी 140 करोड़ के आसपास होने लगा है और नौकरी कितना कम है हम सभी लोग जानते हैं। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के लोग इनकम नहीं कर पाते, जॉब नहीं मिल पा रहा है, टेंशन में रहते हैं, सबकी अपना अपना कमाने खाने में लगा है, परिवार का देखभाल सब कुछ नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वो कोई बाहर कमाने चले गए और वो तो सोचते हैं कि अपने बीवी बच्चे का ही नहीं हो पा रहे हैं तो अपने माता पिता को कहां से देखेंगे, ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि भारत में जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो 100% पढ़े लिखे लोग हैं। अब किसी गरीब को बिना मैंने जो एजुकेशन नहीं लिए हैं उनको आप बेरोजगार नहीं देख सकते, वो सब्जी बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे, कुछ काम कर लेंगे, वो पैसा दो पैसा कमा ही लेते हैं। तो भारत में जितने बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, और जितने लोगों के माता पिता अगर वृद्धाश्रम में हैं तो भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो कारण यही है कि पढ़ लिख जाने के बाद एक लोगों चल जाता है कि हम मजदूरी नहीं कर सकते, हम मेहनत नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, इस कारण से अपना तो नुकसान कर रहे हैं, अपने पिताजी माता के जी का भी नुकसान कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पढ़ाई का हमारे पास गर्व होना चाहिए, पढ़ाई का हमारे पास ईगो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि सफलता और पढ़ाई में, मतलब एजुकेशन और सफलता में जमीन आसमान का अंतर है। एजुकेशन होना अलग, एजुकेटेड होना अलग चीज है, और पढ़ाई और दूसरा चीज एजुकेशन होना अलग चीज है, और आपका सफलता कितना है लाइफ में वो अलग चीज है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन दुनिया के सफलतम व्यक्ति में से हैं। धीरू भाई अंबानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, ये सब का आप एजुकेशन को जांच कर लीजिए। राहुल बजाज हो गए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके ऑफिस में IIT इंजीनियर का जॉब करते हैं। यानी कि आप जितना पढ़े लिखे हैं आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, आप अपने आप को कोसिए मत, आप अपने माता पिता को मत कोसिए कि हमको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाए या हमारा एजुकेशन ये नहीं हो पाया, हम अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, हम अच्छे ये नहीं बन पाए। अभी आपकी उम्र अगर 25 साल या 28 साल हो गई है तो जितना बनना था लाइफ में आप बन चुके हैं, आप इससे ज्यादा बन नहीं सकते। अब यहां से अपने आप को कैसे चेंज करें, दो रास्ते हैं, एक तो कोसते रहे जिंदगी भर, या एक अपने जिंदगी को अच्छा आप यू टर्न ले सकते हैं। तो यू टर्न लेने के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है और वो ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में फाइटो सेल लाइफ में क्यों काम कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन यह है कि हमारी कंपनी जितना पे आउट देती है, जितना हाई बिजनेस वैल्यू है, वो किसी भी कंपनी का आपको नहीं मिलेगा। 70% बिजनेस वैल्यू के साथ साथ कंपनी 70% डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको देती है, इस कारण से आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कब आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं आपको। डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में 61 साल पहले आया सर, और भारत में कोई भी चीज 20-30 साल के बाद आता है। तो जब वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, 1994 में जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाने के बाद वहां की स्थिति देखे, प्रति व्यक्ति आय जब देखे तो उनको लगा कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा है। तो जब उन्हें निष्कर्ष निकाला बहुत सारा, जब वहां पर देखे कि कैसे ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि यहाँ पर लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग करने का मतलब कि उनका इनकम का 40 से 50% पैसा एक महीना के बाद वापस उन्हीं के पैकेट में जाता है। इस कारण से कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो 50,000 रुपये अगर खर्च भी कर देता है तो भी 20 से 25,000 रुपये दोबारा उसको वापस में उसी को लौट करके आते हैं। इस कारण से वहां की इनकम अच्छी है। अब उन्होंने वहां के गवर्नमेंट से या फिर वहां का जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था था उनसे बातचीत किया कि क्या भारत में इसको ले जाया जा सकता है, तो बोले बिल्कुल ले जाया जा सकता है और भारत जब में जब ये बिजनेस जाएगा तो 100% मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका से भी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ से पॉपुलेशन आपके यहाँ ज्यादा है और न भारत में लोग सिर्फ धनी होंगे, रिच फैमिली में गिने जाएंगे, बल्कि भारत आपका फिर से सोने की चिड़िया हो सकती है पहले जैसा, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पर भुखमरी ज्यादा है और वहां पर डायरेक्ट सेलिंग और ज्यादा चाहिए। और जब सारे व्यक्ति का खुद का खर्च किया पैसा 40 से 50% उन्हीं के पैकेट में आएगा तो हर व्यक्ति धनी हो सकते हैं। तो 1994 ईस्वी में इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग भारत में आया, लेकिन कहा गया है कि भारत में शुरुआती दौर में जब कुछ भी चीज आता है सब चीज होता है, लेकिन बिना कानून का 10-15 साल कोई भी काम चल जाता है। जैसे कि बाल विवाह को लेकर के कानून बना लेट से, अभी दहेज प्रथा का कानून बना लेट से, या बहुत सारा चीज है जिसका कानून बनता है लेट से। तो 1994 ईस्वी में जब भारत में डायरेक्ट सेलिंग आया, लेकिन एक नुकसान ये हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस नहीं आया, भारत सरकार द्वारा कोई गाइडलाइंस नहीं बना, डायरेक्ट सेलिंग आई, डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम करने लगे और जो इसका कानून नहीं था, इसका निगेटिव रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी स्कीम कंपनियां आ गई। जैसे कि 10,000 रुपये आपसे मैं लेता हूँ, 10,000 रुपये एक और व्यक्ति से लेता हूँ तो कंपनी हमको 5,000 रुपये दे देगी। किसी व्यक्ति का आप 2,00,000 रुपये जमा करा दें, कंपनी आपको 10,000 रुपये महीना देगी जिंदगी भर, इस टाइप का स्कीम आता गया और इसमें कंपनी 6 महीना साल भर टिकती गई और जब कंपनी को करोड़ों रुपए आ जाते थे तो कंपनी बंद हो जाती थी। और वो क्योंकि उसके पास किसी भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं होता था, उसका कोई पूंजी नहीं लगता था, उसका कोई अपना बिल्डिंग नहीं होता था, ऑफिस में होता था काम, तो जब उनके पास करोड़ों रुपए आते थे तो अपने ऑफिस को बंद कर देते और उसके बाद पब्लिक का पैसा लेकर भाग जाते थे। इस कारण से सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को ही मान लिया स्कीम, जबकि डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज है और स्कीम अलग चीज है। और अच्छा दिन तब आया जब जून 2016 में भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी हुआ हमारे हिंदुस्तान में, और गाइडलाइंस के जरिए जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, मैं बता रहा हूं न एक कंपनियां बंद हुई है, न एक कंपनियां बदनाम हुई है, बल्कि इन कंपनियों में हजारों लाखों आदमी लाखों करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम ले रहे हैं। और एक बात और सर, मैं आज एक बल्कि आप जिनको नोट करना होगा आप इसको नोट भी कर सकते हैं, रियलिटी है, क्योंकि कुछ कुछ भविष्यवाणियां होती हैं। जॉन सेंसिना का एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है कि आने वाले 2030 तक लगभग 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग में होंगे पूरी दुनिया के। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोग का 80% आप जोड़ लें, लगभग 6 अरब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके होंगे। तो जब आना ही है 2030 तक तो पहले क्यों नहीं आए? और इसका एक और रीजन सर ये है, क्योंकि जब कोई कानून बन जाता है, जैसे कि गाइडलाइंस आई है हमारे डायरेक्ट सेलिंग का 2016 में, जब कानून बन जाता है तो कुछ दिन तक आप उस कानून से बच सकते हैं, कुछ दिन तक कुछ कानून से छूट सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए बचे नहीं रह सकते हैं। आज आप नहीं करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, आप नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग तो आपके बच्चे को करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कानून में आ गया है तो कोई इसे बच नहीं सकता। ऐसे भी एक कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और जिस दिन सख्ती से पालन हो गया है इस गाइडलाइंस का, अभी भारत में कानून आया है, सख्ती से पालन अभी हो नहीं रहा है, जिस दिन होगा सारे लोग को इस सिस्टम में आना पड़ेगा। और जब सारे लोग सिस्टम में आएंगे तो उसमें मजबूरी होगी, जैसे जो जॉब मजबूरी है, जो लोग मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट सेलिंग आप खुशी से कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, और मजबूरी में करेंगे तो पीछे आएंगे। तो मेरा कहना है कि आप अभी से काम करें और ढंग से इसको अचीवमेंट करें। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग या जिंदगी में कोई भी सफल चीज होने के लिए एक चीज का होना जरूरी है। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि गर्मी ज्यादा जून के महीने में, जून में होती है या गर्मी ज्यादा ऊन में होती है? एक क्वेश्चन है, सारे लोग क्वेश्चन को जानते हैं कि गर्मी ज्यादा जून में होती है या गर्मी ज्यादा ऊन में होती है। इसका 2-3 आंसर आ सकता है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ठंडे के दिनों में ऊन में गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में जून में गर्मी होती है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का एक आंसर आया है इस पर, गर्मी ना तो जून में होती है, गर्मी ना तो ऊन में होती है, गर्मी आपके जुनून में होती है। और ये जुनून अगर आपके अंदर पैदा हो गया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये जुनून कहाँ पर लगाना है, सही ट्रैक क्या है? सही ट्रैक हमारे पास अभी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है पटरी पर और बगल में बैलगाड़ी है, दोनों में से स्पीड कौन चलेगी? सबको पता है कि ट्रेन ज्यादा स्पीड चलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन सही ट्रैक पर चल रही है।
अब उसको उल्टा करते हैं, बैलगाड़ी के बगल में ट्रेन को खड़ा कर देते हैं पटरी से उतार कर, स्पीड कौन चलेगी? बैलगाड़ी चलेगी, इसलिए चलेगी क्योंकि वो ट्रेन गलत रूट पर आ गया। हम सारे लोग अंदर से बहुत जुनूनी हैं, कर्तव्य निष्ठ हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने बॉस के लिए कर रहे हैं। काम किसके लिए कर रहे हैं? किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो काम किया ही नहीं हम लोग। आज वक्त है अपने लिए काम करने का। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि अगर हमको 5,000 रुपये कमाना है तो 4 घंटे काम करने पड़ेंगे, 10-20 हज़ार रुपये कमाना है तो 8 घंटे काम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमको 1,00,000 रुपये कमाना है तो कितने घंटे काम करेंगे? क्या कोई बता सकता है? 50 घंटे काम करने पड़ेंगे या 100 घंटे करने पड़ेंगे? इन सारे लोगों के पास तो 24 घंटे ही है एक दिन में। तो हमको क्या करना होगा? टाइम बढ़ाना होगा। और टाइम कैसे बढ़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग से। जैसे कि अगर हम आज अकेले हैं, 2 घंटा डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम काम कर रहे हैं, 2 घंटा काम कर रहे हैं, और हम अगर अपने रिश्तेदार में, दोस्त में, यार में, पड़ोसी में सबको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं, सारे लोग नहीं आए, सिर्फ 20% लोग ही अगर आते हैं, अगर 500 लोगों में से 20% यानी कि लगभग 50 व्यक्ति ही आपके साथ आते हैं, और सिर्फ 2-2 घंटा व्यक्ति सारे व्यक्ति काम करते हैं, 2-2 घंटा काम करते हैं, तो आपके नीचे एक दिन में 100 घंटा काम होता है, इसलिए आपकी इनकम बढ़ करके आती है। दूसरी चीज, किन किन व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? अभी आप लोग सारे लोग खुद से आंख बंद करके देखिए, डायरेक्ट सेलिंग किसको किसको करना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर अगर आपको आता है हाँ में, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आंसर आता है अगर ना में, तो डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल आंखें बंद करिए और सोचिए, आप 12 बजे रात में जब सब कोई घर में आपका सोए हैं, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके छोटे छोटे बच्चे, आपकी वाइफ, सब कुछ सोया हुआ है, आप एक ऐसे जगह पर जाएं जहां पर सारे लोग को देख सकते हैं। आप देखिए और देख करके महसूस करिए कि अगर जिस तरीके से रोहित सरदाना सर, इतने अच्छे व्यक्ति, इतना बड़ा पॉपुलर व्यक्ति, देखने में बीमार लगते नहीं थे, और कल परसों उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, हम वो तो उनके पास तो इनकम बहुत अच्छी खासी है, आगे उनका परिवार चल जाएगा, लेकिन अगर आपके साथ या हमारे साथ ये दुर्घटना घटता है रात में, आप देखिए अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, सोचिए कि कल या परसों के समय अगर अचानक आपके साथ ऐसी घटना घट जाती है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो क्या अगले दिन से आपके बच्चे का स्कूल का फी भरा पाएगा? आपके घर में दूध आ पाएगा? आपके घर में सब्जी आ पाएगा? आपका रूम रेंट क्या भरा पाएगा? या आपका मोबाइल का बिल, घर का जो आता है वो कौन भरेगा? आपकी बच्चियों का शादी कौन करेगा? ये सारा चीज क्वेश्चन अगर मन में अगर आता है, लगता है कि नहीं कोई ऑप्शन है कि आपके जाने के बाद सारा हूबहू चलेगा, आपके आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, और लगता है कि नहीं ये मेरे जाने के बाद सारा बिखर जाएगा, सारा टूट जाएगा, हमारा घर बिखर जाएगा, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत है, और आज जरूरत है। अब सारे लोग आंखें खोल लीजिए, और एक मैं बता रहा हूं आपको कि अब डायरेक्ट सेलिंग करने से बहुत सारे लोग, भारत में क्या होता है ना कि लोगों को उल्टा समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को उल्टा समझ में आता है, तो मैं उल्टी भाषा में एक कुछ कुछ आप लोग को आंसर देता हूं कि आप उल्टा मैं ये बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग करने से फायदा क्या होता है, ठीक है, फायदा बाद में बताएंगे, लेकिन मैं जो डायरेक्ट सेलिंग, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करके फंस गया, 6 महीना काम किया फिर छोड़ दिए, लेकिन 6 महीना काम किए छोड़ दिए तो होता क्या है, मैं बताता हूं। अगर आप किसी व्यक्ति को फोन कर रहे हैं, अपनी मैडम को फोन कर रहे हैं, अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं, 10 डिजिट मोबाइल नंबर आता है, 10 डिजिट में 9 नंबर आप सही डाल करें और लास्ट डिजिट को गलत डाल कर दें, तो क्या बात हो जाएगी? बात नहीं होगी। अब मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि 9 नंबर तो सही डाल के हैं, उतना तो बात करवा दो, ऐसा थोड़ी होता है। जब तक 10वां अंक सही नहीं होगा तब तक आपको एक शब्द भी, हेलो तक भी नहीं बात हो पाएगी। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग मांगता है 3 साल से 5 साल, 3 साल से 5 साल अगर आप देते हैं इस सिस्टम को, ये सिस्टम आपको उतना देगी कि खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको चेक कर रहे हैं, अगर आप कुछ दिन करके थक जा रहे हैं, कुछ दिन करके आप लोग को लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, हिम्मत हार जा रहे हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग को करने से जो 5-6 तरह का दर्द होता है, तो दर्द करने के बाद क्या क्या मिलता है वो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। पहला दर्द ये मिलेगा यहां पर जब काम करेंगे, जिस शहर का नाम आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, आपने सिर्फ टीवी में देखा है, आप डायरेक्ट सेलिंग 1 साल करें, आपको सब जगह जाने का मौका मिलेगा। जब डायरेक्ट सेलिंग हम नहीं करते थे तो पटना का गोलघर से लेकर के कोलकाता का विक्टोरिया से लेकर के गोवा का जो समुद्र, वो सारा चीज मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, मैंने वीडियो यूट्यूब में देखा था। डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद लगभग मैं बता रहा हूँ पूरे भारत का 15 राज्य में घूम चुका हूँ, 15 से 16 राज्य घूम चुका हूँ। तो एक नुकसान, एक दर्द होगा आपको कि आपको घूमना मिलेगा लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग करने से। दूसरा दर्द क्या होगा, पहले मेरा जो सैलरी था वो 20,000 रुपये महीना में एक बार आता था,
डायरेक्ट सेलिंग मैंने किया है, डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद क्या होता है कि मेरा इनकम महीना में 5 बार आता है। अब आपको डर यह होगा कि आपको 5 बार एटीएम लाइन में जाकर के पैसा निकालना पड़ेगा या बैंक में जाना पड़ेगा, आपको यह दर्द होगा क्योंकि आपकी इनकम एक बार पहले आती थी, अब 5 बार आएगा। दूसरा चीज, तीसरा जो दर्द आपको डायरेक्ट सेलिंग में होगा कि पहले आपको 100 लोग 150 लोग जानते हैं, मोहल्ला के गली के लोग, दोस्त में, यार में, पड़ोसी में 100 लोग 150 लोग आपको जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर थोड़ा सा आपकी अचीवमेंट अच्छी हो जाती है तो आपको बहुत हजारों लोग जानने वाले हो जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में पिछला 8 महीना से कर रहा हूँ, 9 महीना चल रहा है, 8 महीना के बाद लगभग पूरे हिंदुस्तान में लगभग कम से कम 5,000 लोग हमको जानते हैं। ये तीसरा दर्द होगा कि आपको जानने वाले की संख्या बढ़ जाएगी। चौथा दर्द क्या होगा, अभी जब डायरेक्ट सेलिंग हाइड्रोसेल लाइफ का वेबसाइट खोलेंगे तो टॉप 10 अर्नर में 10वां नंबर पर मेरा नाम आता है, जितने लोग खोलेंगे वो सब आपके नाम को पढ़ेंगे, ये दर्द आपको होगा। उसके बाद एक और दर्द क्या आएगा आपको कि आपके वजह से आपके टीम में 10, 20, 50, 100 लोगों को 5,000 रुपये से लेकर के लाखों रुपया तक आएगी और उनका घर में जो अचीवमेंट आएगी, उनकी जो खुशी आएगी, उनके परिवार में आपके जो मान सम्मान मिलेगा, वो ये दर्द आपको झेलना पड़ेगा। अभी हमारे टीम में ऐसे 50-100 आदमी जरूर हैं जो 5,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये महीने का मतलब अभी तक कमाए हैं 5-6 महीने में, तो धीरे धीरे उनकी रेशियो बढ़ रही है। अभी इस महीना में 2 व्यक्ति और डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं और अभी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद होता है सिल्वर डायरेक्टर और सिल्वर के बाद होता है गोल्ड डायरेक्टर। और टीम का सशक्त, टीम के साथ बातचीत, टीम के अंदर जो काम हो रहा है, तो एक दर्द ये अभी होगा हमको कि अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के बाद हमको सिल्वर डायरेक्टर बनने का मौका नहीं मिलेगा, मैं इस महीना में सीधे गोल्ड डायरेक्टर पर जा रहा हूँ। तो ये पिछला और सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कि पिछला 8 महीना से मैं डायरेक्ट कंपनी में पूरी तरीके से 100% फुल टाइमर नहीं हूँ, मैं जॉब करते हुए पार्ट टाइम में इसको काम करता हूँ इस सिस्टम को। लेकिन अगर संडे सैटरडे हम फाइटोसेल लाइफ को करते हैं तो संडे सैटरडे पूरी ईमानदारी से मैं इसको काम करता हूँ, मतलब कि अपना 10-10 घंटा 20 घंटा मैं इसमें देता हूँ 100%। ऐसा कहा गया है कि आप अगर आधे अधूरे मन से काम करेंगे, पूरा मन से अगर आप काम करते हैं किसी भी चीज का तो रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, और आधे अधूरे मन से अगर काम करते हैं तो रिजल्ट आधा अधूरा नहीं बल्कि 0 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पूरा मन से काम करता हूँ 100%, जिसका देन है कि 8 महीना में हमारी इनकम लगभग 3,00,000 रुपए एज रिकॉर्ड और लगभग 50,000 रुपए मतलब जो हमारा रिटेल प्रॉफिट है उससे लगभग 3.75 लाख रुपए की इनकम 8 महीना। आप डिवाइड कर लो कि लगभग कितने 1,000 रुपए महीने की इनकम हो जाती है। दूसरी चीज, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो कि अच्छे लाइन पर आ चुके हैं, डायरेक्टर बनने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे, और लगता है कि 4-5 महीना के अंदर हमारे टीम में 5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाने लगेंगे, वो भी सारे जॉब में हैं। अब अगर हम सही समय पर डिसीजन नहीं लेते तो क्या ये सारा दर्द हमको मिलता? ये दर्द है लेकिन रियलिटी ये खुशी है। मैं दर्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग उल्टा समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, इसलिए मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। और मैं आपको बता दूं कि लाइफ को लोग इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ को लोग बिल्कुल मतलब काटना बोलते हैं वो काट रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा चीज क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ सम्मान मिलता है। सर आप जॉब में और 20,000 नहीं 50,000 की भी सैलरी होगी ना तो बॉस का 4 बात सुनने को मिलेगा, और फाइटो लाइफ सेल में अगर पहला महीना है 1,000 रुपये का भी इनकम आएगा ना तो आपके लिए ताली बजेगा। तो यहाँ पर जो पैसा आएगा वो सम्मान वाला पैसा आएगा, जो भी पैसा अगर आएगा तो दुआ वाला पैसा आएगा। दुआ क्यों? क्योंकि हमारा हेल्थ अवेयरनेस का प्रोडक्ट है, तुलसी है, स्टीविया है, मेलेसकेलस है, विटामिन सी है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है 40-50 हज़ार रुपए, इसका मतलब कि आपके थ्रू सैकड़ों लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों का लाइफ में बीमारी जा रहा है, खुशी आ रहा है, तो 50,000 रुपए जो आपकी इनकम आ रही है वो कितने लोगों को घर में खुशियां दी उसके बाद आपको इनकम आता है। तो कहा गया है कि जहाँ पानी जमेगा मच्छर हो मक्खी पैदा होगा, जहाँ खून जमेगा वहां पर बीमारी पैदा होगा, और जहां पर लोगों का दुआएं आएगा वहां पर आपके घर में अचीवमेंट आएगी, खुशियां आएगी, आपका परिवार ग्रोथ करेगा, सक्सेस करेगा, सफल होगा। और यहाँ पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को एक लाइन में हम बताना चाहेंगे कि आज सारे लोगों को पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं। आप 10 घंटा 15 घंटा 12 घंटा जो काम कर रहे हैं वो आपका एक्टिव इनकम है। जब तक आपका पैर हाथ चलेगा आपकी घर में इनकम आती रहेगी। जैसे ही आपके इनकम आपका घर में, जैसे मान लीजिए आपको अगर पैर में प्रॉब्लम हो गया, आपको बीमारी कुछ हो गया, या अकस्मात दुनिया में नहीं रहे, तो आपकी इनकम बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब सोच के देखिए कि जिस घर में 50,000 रुपये महीना में काम चल रहा है, अगला महीना से अगर 0 इनकम हो जाती है, उस परिवार की स्थिति क्या होगा?
तो अपने लिए तो कुछ तो करना चाहिए। सर मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग क्या आया है डायरेक्ट सेलिंग में आने से, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी दो बच्चियां हैं और अभी जितने भी सरकारी नौकरी वाले या प्राइवेट नौकरी वाले की मैं बात करूं, सबका सर इनकम जो होता है ना रिटायरमेंट के लिए, सरकारी नौकरी में पहले रिटायरमेंट मिलता था 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, ये सर जो पैसा मिलता था ना बस अपनी बच्ची का शादी करने में, घर बनाने में खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि 2 लीटर दूध खरीदने का औकात नहीं होता, आधा लीटर में काम चलाना पड़ता है। और यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में आने से सर मैं सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ ये कि अपनी दोनों बच्चियों के नाम पर, मैं एक बच्ची हमारी 4 साल की हुई है अभी, एक अभी 9 साल की हुई है, तो जो 9 साल की हुई है उसका मैं पिछला पहले से तो कर ही रहा था, अभी दोनों बच्चियों का मैं महीना में 4,000 रुपए डिपॉजिट करता हूँ, ताकि जब वो 23 साल 22 साल की हो तो दोनों के नाम पर कम से कम 15 लाख रुपए है, एक सिस्टम है भारत सरकार का उसमें। और अभी तो 4,000 जा रहा है, मैं कुछ दिन के बाद प्लान कर रहा हूँ 8,000 रुपए मैं उसमें डालूं, ताकि दोनों का जो जब शादी का उम्र हो या बड़ा एजुकेशन का उम्र हो उस समय दोनों का 35-35, 40-40 लाख रुपए दोनों के नाम पर आए, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये जो सारा चेंजिंग आया मेरे लाइफ में फाइनेंशियल लाइफ को आने से, डायरेक्ट सेलिंग में आने से जीने का तरीका बदल गया, लाइफ को कैसे चलाना है। बहुत सारे लोगों को पैसे खर्च करने नहीं आते, पैसे को कैसे खर्च करना ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। गरीब अमीर का बहुत सारे परिभाषा हम लोग जानते हैं, लेकिन एक परिभाषा हमारी नजर में ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं 1.25 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आप गरीब हैं, और आप 50,000 रुपए कमाते हैं और 30,000 खर्च करते हैं तो आप अमीर हैं। इसीलिए सारे लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पैसा को कमा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग से कमा रहे हैं, तो पैसे को खर्च करना सीखिए। मेरे अनुसार खर्च कैसे करना चाहिए, अपनी जो भी आपकी सैलरी आती है सारे सैलरी में से 40% से 50% पैसा, 50% पैसा को आपको खर्च करना चाहिए घर का रोजमर्रा के जिंदगी में जो भी काम आते हैं। जब आपकी इनकम अच्छी हो जाए तो अभी आप 1 साल काम करके इनकम अच्छी कर लें, फिर इस प्लान को करें। 50% पैसा को जनरल खर्च में खर्च करें, 10% पैसा को शिक्षा पर खर्च करें अपने बच्चों के लिए, 10% पैसा को सेविंग अकाउंट में डालें, 10% बच्चे के नाम पर फिक्स करें, 10% फ्यूचर कोई ऐसा प्लानिंग, घर बनाना हो, कार लेना हो या कुछ बड़ा काम करना हो उसमें फिक्स करें, और बाकी 10% पैसा को इस जगह फिक्स करें ताकि इंजॉय किया जा सके। हम लोग 8 घंटा 10 घंटा जिंदगी भर काम करते हैं, इंजॉय के लिए कोई पल निकालते हैं क्या? इंजॉय के लिए हमारे पास सिर्फ दीपावली दशहरा ही रह गया है और कुछ नहीं रहता। लेकिन आप ऐसा कुछ गर्मी छुट्टियों में कोई प्लान करें, अगर आप 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये ही अगर साल भर जमा करते हैं तो साल भर में 1.25 लाख रुपये हो जाता है, और अपने फैमिली के साथ आप जाकर के लोकल कोई विदेश घूम कर जा सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इनकम जब आपकी आती है तो इनकम को 6 जगह पर खर्च कीजिए, 1 साल के बाद देखिए कि कैसी अचीवमेंट हो सकती है। और मैं 6 नहीं लेकिन कम से कम इस 6 महीने से 3 चीज का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और तीनों का मेरा मतलब चल रहा है कुछ दिनों से, और ये कुछ महीना के बाद ये 6 मैं कोशिश करूंगा कि मैं 6 को करूँ, अचीव करूँ। और सर जिंदगी में बहुत मजा आता है, क्योंकि पैसा कमाना अलग चीज़ है और खर्च करके बचाना भी अलग चीज़ है, और डायरेक्ट सेलिंग में हमको ये सीखने का मौका मिलता है। और एक चीज़ और यहाँ पर सीखने का ये मौका मिलता है सर, हम लोग क्या करते हैं कि किसी किसी का अगर बिजनेस ग्रो करके अगर रुक रहा है या कम हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि उनके अंदर सब्र नहीं है, या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आपके प्रोडक्ट को कोई अगर मार्केट में खराब बोल दिया तो गुस्सा हो गए, उससे बात नहीं किए, उसे फॉलोअप नहीं किए, ये सब तमाम कारण है, जल्दी गुस्सा जाना इस कारण से भी बिजनेस पर असर पड़ता है। सर मैं आपको बता रहा हूँ 100% लोग जो है ना कभी भी आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, सब व्यक्ति समझते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, दूध पीना सेहत के लिए लाभदायक है, लेकिन 100% लोग कभी शराब छोड़ नहीं सकते और 100% लोग कभी दूध पी नहीं सकते। सबको पता है मॉर्निंग वॉक फ्री में मिलता है, सुबह सुबह करना चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। तो दुनिया में अच्छा चीज जो है सब लोग नहीं कर सकते, तो उन व्यक्ति को हम लोग निग्लेक्ट करके आगे बढ़ना है, हम लोग को उनके साथ अपना भी माथा खराब नहीं करना है, और लगता है कि नहीं फॉलोअप करना भी और चाहिए तो फॉलोअप वहां पर करिए। अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी मैंने डाला था ग्रुप में कि एक गधा और चीता में झगड़ा हुआ कि आसमान किस कलर का है। चीता बोला कि नीला कलर का है, और गधा बोलता है कि काला कलर का है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा और बात चली गई, वहां राजा शेर के पास चली गई। शेर पूछा कि बात क्या है, तो चीता बोलता है कि आसमान नीला कलर का मैं बोल रहा हूँ, गधा बोलता है कि मैं ये आसमान काला कलर का है, अब बताइए कि क्या इंसाफ होना चाहिए। तो राजा का जो शेर था उनका आंसर आया कि चीता को तुरंत जेल में डाल दो। अब चीता हैरान हो गया, बोला कि सर राजा जी मैं तो सही बोल रहा हूँ, रियल में आसमान जो होता है वो नीला कलर का होता है, गधा तो गलत बोल रहा है। तो शेर से जो राजा थे वो बोले
कि मैं तुम्हें इसलिए सजा नहीं दे रहा हूँ कि आसमान नीला है, तुम सही बता रहे हो, तुम गलत आंसर नहीं दे रहे हो, तुम्हें सजा देने का एक मकसद ये है कि तुमने गधा से बहस ही क्यों की है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, अपना काम को प्लानिंग के अनुसार से आप करते रहें। और दूसरा चीज, कुछ लोग जो बिजनेस आपके साथ नहीं कर रहे हैं, आपके विपरीत बैठे हुए हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसको गलत बता रहे हैं, तो वो भी जरूरी है लाइफ में। अगर विपक्ष में कोई लोग नहीं बैठेगा तो जब आप अच्छी गाड़ी खरीदेंगे देखेगा कौन, आप विदेश में जाएंगे वहां से जब आएंगे तो किसको बताएंगे। अरे जो आपको चाहते हो तो चाहेंगे ही कि आपके पास लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी बंगला हो, आप विदेश का सैर करें। आप बताएंगे उन्हीं व्यक्ति को ना, उन्हीं वही देखेंगे आपका थकान कब दूर होगा, जो व्यक्ति आपका अभी साथ नहीं दे रहे हैं, आपको पागल समझ रहे हैं या लगता है कि नहीं बेकार चीज है, उन्हीं व्यक्ति को अचीवमेंट दिखाने में बहुत मजा आएगा। तो वैसे व्यक्ति का भी एक अलग से लिस्ट बनाए, और जब आप अचीवमेंट आपकी आएगी तो वे लोग को भी दिखाना है, क्योंकि ऐसे भी संसद भवन में विपक्षी अगर नहीं बैठे तो फिर पॉलिटिक्स का मजा नहीं है। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी सारे लोग अगर कर ही लें तब किसको दिखाएंगे अपनी अचीवमेंट। इसलिए आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ लोग आपको समझने के लिए, आपको तपता हुआ सोना बनाने के लिए, कुंदन बनाने के लिए सारे लोग कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। अच्छा मौका है, आपको सफलता मिल रहा है, आप गिर के सीख रहे हैं, वैसे व्यक्ति का थैंक्सफुल होइए कि आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि करोड़पति बनने का सपना आप देखें वो थोड़ी देखें। तो एक दूसरे दो चार व्यक्ति का ना करने से आपके जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना चाहिए। और सर डिसीजन जो आप जो सारे लोग का है कि नहीं कुछ दिन बात करेंगे, वो सारे डिसीजन आज लीजिए कि आज मुझे बिजनेस को करना होगा, और आज से ही, क्योंकि समय सर बहुत मूल्यवान है, एक सेकेंड का समय उसे पूछिए जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी ऑक्सीजन का किल्लत है, कोरोना काल है, सब लोग जान रहे हैं, हमारे लिए एक मिनट, दो मिनट, दस मिनट का कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिनको ऑक्सीजन की कमी है उनको एक एक सेकेंड का कीमत मालूम है सर। और एक और मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कितना समय है, लगभग सारे लोग चार घंटा का जो बेकार का समय बिताते हैं, तो दोस्त से गप्पे लड़ा करके, कोई पान की दुकान पर खड़ा होकर के, जो चार घंटे, उसी चार घंटों को सही ढंग से काम किया जाए फाइटोसेल लाइफ में, तो मैं बता रहा हूँ कि आने वाले तीन साल के बाद आपकी अचीवमेंट बहुत झकास होने वाली है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूँ, कभी मुंबई अगर आप गए होंगे, अब किसी से टाइम पूछ के देखिए, लोग चलते चलते आपको टाइम बताएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर किसी से टाइम पूछ लीजिए तो वो 10 कदम आगे भी हैं तो वापस आएंगे आपके पास, टाइम बताएंगे आपको कि सर अभी तो 2:45 है, क्योंकि उनके पास टाइम है, और मुंबई में किसी के पास टाइम नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए कि पैसा ज्यादा कहाँ है, मुंबई में है या फिर हमारे यहाँ, मुंबई में है, क्योंकि टाइम का उनके पास वैल्यू है। टाइम का वैल्यू जिस दिन हमारे पास हो गया, हम बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। और सर सीसी सर टाइम कितना सर बजे तक बोलना, मुझे सर पता नहीं है सर, हो गया क्या?